बलौदाबाजार की घटना पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इंटेलिजेंस का ये पूरा फेल्योर है। उन्होंने बताया कि विजय शर्मा भी फेल हैं, पूरी की पूरी सरकार फेल है, इस सरकार में कानून व्यवस्था फेल है। इस तरह की घटना छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार हुई है, जो बेहद शर्मनाक है। ये जो बलौदा बाजार में सतनामी समाज के जैत काम काटने के संबंध में जो विवाद स्थिति निर्मित हुई थी, सतनामी समाज ने पहले ही कहा था कि जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उसकी जांच की जाए। उसी दिन राज्य सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा कर की। अगर वो पहले कर दिए रहते तो इस तरह घटना होती नहीं है। और हम लोग पहले से कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब है और सरकार का नियंत्रण उस पर नहीं है। बलौदाबाजार की घटना को कांग्रेस ने सरकार की विफलता बताया। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी कहा कि इतनी बड़ी घटना होना इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, आज तक राज्य में ऐसा नहीं हुआ, एसपी और कलेक्टर कार्यालय को जला दिया जाए, इस घटना की निष्पक्षता से जांच हो। यह शासन की कमजोरी प्रदर्शित करता है। शासन के इंटेलिजेंस कहाँ था, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, रोकने के लिए पुलिस की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं, कोई एसपी कार्यालय कलेक्टर कार्यालय को जला दिया जाए, ऐसी घटना आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। पुलिस बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि वरिष्ठों को छोड़कर जूनियर्स को क्यों लिया गया, यह बीजेपी का आंतरिक मामला है। किस उपलब्धि के आधार पर मंत्री बनाया गया ये भाजपाई ही बता पाएंगे। उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, उनकी पार्टी में संगठन के लोग क्यों ऐसा निर्णय करते हैं, क्या सोच के निर्णय करते हैं, सीनियर जूनियर को या और कोई उपलब्धि को किस क्या सोचते हैं, वो तो वही लोग जानेंगे। तो इसलिए उनके पार्टी में क्या सोच कर निर्णय लिया गया, वरिष्ठों को छोड़कर जूनियर को दिया गया, साहू समाज बड़ी संख्या में है, इस कारण दिया गया, किस कारण से दिया गया, वो तो उनका आंतरिक मामला, वो लोग समझेंगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश के हर विभाग में रिफॉर्म हो रहा है। कांग्रेस राज में प्रदेश माफिया राज के चंगुल में फंस गया था, जिसे तेजी से बाहर निकाला जा रहा है। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, हर वर्ग के लिए काम कर रही है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को खोखला बनाने का काम किया, हर जगह सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया, हर जगह माफिया राज और भ्रष्टाचार चलाने का काम किया। इसलिए सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे विभागों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आवश्यक रिफॉर्म्स की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। और जो मोदी की गारंटी है उसके तहत किसान भाइयों के लिए महतारी वंदन योजना अंतर्गत माताओं बहनों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए हम सब लोग समर्पित होकर लगातार काम करते रहेंगे। और दूसरी ओर माफिया राज से के चंगुल में जो सिस्टम फंस गया था उसे रिफॉर्म एजेंडास के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्रदेश को आगे बढ़ाएं। खबर जगदलपुर से, महापौर की बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नगर निगम जगदलपुर में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के IMIC पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। महापौर साफिरा साहू पर शहर के विकास में साथ नहीं देने का आरोप लगाया गया। कलेक्टर और आयुक्त को MIC से सामूहिक इस्तीफे का पत्र दिया गया। उनका कहना है कि अब निगम सरकार पूरी तरह से भंग हो चुकी है, महापौर को बहुमत साबित करने की मांग की गई है। बता दें कि कांग्रेस के 29 पार्षदों में से महापौर समेत 6 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस के पास 23 पार्षद बचे हैं। कांग्रेस में थी और कांग्रेस के ही सभी पार्षदों ने उसे महापौर बनाए थे और कांग्रेस में रहते हुए भी MIC के लोगों को, चाहे MIC का बैठक में भी हो चाहे सामान्य सभा में भी हो, लगातार इन्होंने हमेशा महापौर को शहर का विकास के लिए MIC के सदस्य लोग अवगत कराते थे। जिस कांग्रेस पार्टी के दम पर महापौर बनी, उस कांग्रेस पार्टी के पीठ में छुरा घोपने का काम किया महापौर ने। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो महापौर के साथ ही नहीं, तो कुछ लोग जबरन अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए साठगांठ के चलते BJP प्रवेश करवाए हैं। राजनांदगांव से बड़ी खबर आ रही है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घोर लापरवाही सामने आई है। यहां पर SNCU में पिछले 3 महीने से 2 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। यहां पर 20 बिस्तरों में 33 से ज्यादा नवजात भर्ती हैं। बिस्तर 20, नवजात 33,
एक बिस्तर पर 2 से 3 बच्चों को इलाज किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन को मासूमों की कोई फिक्र नहीं है ऐसा नजर आता है, या व्यवस्थाएं जो हैं वो उतने अनुरूप नहीं है। 1 महीने भर में 70 से 80 नवजात यहाँ पर भर्ती होते हैं। 2 वेंटिलेटर खराब है, इसकी सूचना दी जा चुकी है, ऊपर दी जा चुकी है, बनाने के लिए उसको बनाने के लिए इंजीनियर लोग आएंगे तब बन जाएगा। एसएनसीयू में 18 बेड का बेड है जिसमें 18 बच्चे लोग भर्ती होते हैं, भर्ती एक समय में किया जा सकता है, जो कि पीलिया बर्थ पीलिया और बर्थ एस्फिक्सिया का और लो बर्थ करते हैं बच्चे लोग को। कुछ बेड ऐसे भी रहते हैं जैसे 18 बच्चों से ज़्यादा एडमिट किया जाता है तो कैसे फिर क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होता? नहीं तो फिर हाँ 18 बच्चे वो कर देते फिर इधर उधर से। कोरबा के छुरी कला नगर पंचायत स्थित पिकनिक स्पॉट झूरा घाट पर पुलिस ने पहरा बिठा दिया है। पुलिस की टीम यहां आने जाने वाले लोगों की निगरानी कर रही है। ग्रामीणों ने यहां पर पिकनिक मनाने वाले कुछ शरारती तत्वों पर मारपीट और अभद्रता करने की शिकायत की थी। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि शरारती तत्व यहां शराब के नशे में होदंग करते हैं। बताएं कि पिछले सप्ताह शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने एक दंपति को चक्कर मार दी जिससे दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस यहाँ पर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। की तरफ से शिकायत मिली थी कि कुछ शरारती तत्व तो यहाँ पर जो पिकनिक मनाने रविवार को आते हैं तो शरारती तत्व तो शामिल होकर उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पर तत्काल यहाँ पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर बड़े पैमाने पर हम लोगों ने कार्यवाही की थी, जिसमें शराब पीते हुए सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते हुए पीने वालों के ऊपर भी कार्यवाही की थी, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के ऊपर कार्यवाही की थी, करीब 12 गाड़ियों को हमने जब्त किया था। इसी तारतम्य में रूटीन चेकिंग के दौरान आज भी यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है। आरटी के तहत एडमिशन पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों से 2 सप्ताह में जानकारी मांगी है। इसमें हर निजी स्कूल को ये जानकारी देनी होगी कि आरटीई के तहत आरक्षित 25% सीटों पर बीते सालों में कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया और कितनी सीटें खाली रह गई। इसके साथ ही खाली सीटों को ओपन आधार पर भरा गया तो उसके लिए क्या नियम अपनाए गए, सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस और बीपीएल कार्ड धारियों की सीट मामले में सुनवाई हुई है। इसमें यह बात सामने आई है कि राज्य सरकार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोटा कम कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। कोरबा में पानी को लेकर चक्का जाम हुआ है और कई बस्तियों में पानी नहीं आ रहा है, इसकी वजह से नाराजगी लोगों ने जताई है। माकपा के नेतृत्व में ये चक्का जाम किया गया और बांकी बस्ती की मुख्य सड़क है वहां पर ये चक्का जाम कर दिया गया है। भारी वाहनों की लंबी कतार यहां पर लगी हुई नजर आ रही है। कोरबा में सोमवार की शाम प्री मॉनसून की बारिश हुई और पहली ही बारिश में नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। थोड़ी देर की बारिश में शहर के रामपुर बस्ती का ठाकुर मोहल्ला जाम हो गया। बारिश का पानी निचली बस्तियों में भरा गया, बस्तियों की गलियों में पानी बहता नजर आया। दूसरी तरफ खरमोसा सब स्टेशन में भी बारिश का पानी घुस गया। बताएं कि नगर निगम इन बस्तियों में नाली का निर्माण करा रहा है और प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बारिश शुरू होने के बाद नाले का निर्माण कार्य और मुश्किल हो जाएगा। दंतेवाड़ा में मौसम बदल गया, यहां पर गरज चमक के साथ बारिश हुई, तेज हवाएं चली, बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई, लोगों को उमस और गर्मी से राहत। जबलपुर में कैंट बोर्ड के द्वारा सड़कों से हटाए गए अतिक्रमण के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। कैंट की सड़कों को कब्जा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया गया था और अभियान के दौरान अतिक्रमण अमले ने गरीब दुकानदारों के ठेले और टपरे हटाने के साथ तोड़फोड़ भी उसमें की थी। गरीब दुकानदारों का भारी नुकसान यहां पर हुआ था। कांग्रेस ने गरीब दुकानदारों के साथ हुई बर्बरता के विरोध में आज ये प्रदर्शन किया।
पवन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, पूरी जानकारी दें, इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन आज हुआ है, नाराजगी जताई गई। जी बिल्कुल, ये कैंट बोर्ड के द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसके तहत सड़कों पर जो अतिक्रमण जमे हुए हैं, ठेले टपरे और दुकानें जमी हुई हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है वह सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो अतिक्रमण दल है जब वो ठेले टपरे हटा रहा था, दुकानों को हटा रहा था, तो न सिर्फ उन्हें हटाया गया बल्कि उनके दुकानों में तोड़फोड़ की गई, ठेले टपरे तोड़ दिए गए, उनके जो दुकान थी उनको तोड़ दिया गया, सामान को सड़क पर बिखेर दिया गया। तो ये सारी चीजें से जो है गरीबों का नुकसान हुआ है, जो दुकानदार थे उनका नुकसान हुआ है, और इसी के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। ठेले टपरे जो तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, उनका सामान बीच सड़क पर ले जाकर और रैली के माध्यम से सभी को दिखाया गया कि किस तरह से कार्रवाई की गई, उसका विरोध प्रदर्शन किया है। कैंट बोर्ड मामले की जांच करने का आश्वासन दे रहा है, जिसके बाद ये आंदोलन खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।